तो हम लोग आज इसका सब्जी कर रहा है। ये लेमन का पत्ता है, मैंने बहुत सारा ले लिया ब्लैक के साथ बनाने। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज मैं पोक मीट बनाने वाली हूँ। तो आज बहुत पोक का लेग पीस वो भी क्या बोल गई उड़ा देकर वही बनाने वाली हूँ मैं आज रेसिपी। तो वो है पोक लेग्स। पोक लेग्स का सब लोग तो हिंदी से क्या बोलता पता नहीं, लेकिन हमारे पास हमें तो चाकू ही बोलता है। तो वो भी केला का घास के जैसा इसके साथ मिक्स करके बनाने वाला और बहुत टेस्टी यम्मी है। तो बहुत टेस्ट है। तो चलिए आप लोग भी दिखाती हूँ पोक का लेग पीस कैसे बनाती है और हमारे त्रिपुरा का टेस्टी खाना कैसे बनता है, तो वो आप लोग दिखाते हैं। तो चलिए आप लोग देते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग आज पोक का लेग खाने वाले हैं चाकू। बहुत सारा स्पेशल होने वाले हैं, बड़ा बड़ा पीस के साथ हम लोग आज पकाएंगे। तो बहुत सारा यम्मी होने वाले हैं। तो आप लोगों का रेसिपी बाद में दिखाएंगे, पहले इसको फिश करके लेंगे बड़ा बड़ा साइज का। वो भी केला का प्लान का साथ बनाने वाली है मैं आज। तो आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ ये कैसे बनाती है। रहा ये लेमन का पत्ता है, मैंने बहुत सारा ले लिया और सब्जी भी ज़्यादा है इसलिए मैंने लेमन पत्ता बहुत। फ्रेंड्स, मैं अभी दीदी का घर में जा रही हूँ और केला का प्लांट लेने के लिए। इसके साथ ही मैं ये है केला का, इस केला का वो क्या बोलते हैं प्लांट, वही इसके साथ भी मैं चकली बनाने वाली हूँ। ये बहुत सारा स्पाइसी चकनी भी बनाती खाते, बहुत सारा मिक्स ये भी खा सकते हैं। तो ये चकली बहुत सारा स्पेशल और टेस्टी है, इसलिए यहाँ पर केला के रस देंगी। सो मैंने यहाँ पर केला का अच्छी तरह से इसको काट लिया है। तो मैं अभी इसको कढ़ाई भी डाल देता हूँ, बड़ा वाला पीस करके लिया था वो सब जाएगा। से मैंने सत्तर सत्तर करके किया था और आग में स्पेशल आग में सब्जी बनाने का और भी ज़्यादा टेस्टी है। सब्जी का अनुसार ही देना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। ये मीठा सुगर डालने से उबलना शुरू हो जाते हैं, जल्दी जल्दी इसको चलाना पड़ेगा, ये तो सब निकल जाएगा। अभी नमक देना बाकी है, तो अभी मैं नमक डालता हूँ। Thank you.
ज़्यादा डाल रही हूँ। मैं भी बहुत दिन हो चुकी हूँ, मैं पॉपलेस का चाकू नहीं खाया है, तो आज खा रहा हूँ। बहुत स्पेशल डे भी है, और वो बेंगली लोगों का क्या बोलता है, और देखो ना आज काम करते करते और खाना पकाते, आग में खाना पकाना, मेरा चेहरा भी कितना लाल हो गया है और बहुत सारा पसीना निकल रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। देखो कितना सारा धूप है, और आज चुपका ऐसे सब जैसे कि बेंगली और हमारी सब नॉर्थ का ये मानता है कि ये बेंगली का जो ईयर्स है तो आज ही ख़त्म है, और न्यू आया है हैप्पी न्यू ईयर बेंगली का, तो इसलिए सब स्पेशल सब के घर में स्पेशल सब्जी बनाते हैं, और मीट वही गोट मीट और पॉक मीट, फिश, चिकन, सबके घर में है, स्पेशल भी है, और सब के घर में इंजॉय भी करता है, तो हमारे घर में भी इंजॉय तो है, लेकिन अभी तक इंजॉय नहीं है क्योंकि दीदी लोग भी सब बिजी है, और मेरी सासू माँ भी अभी तक नहीं आई है, तो वो लोग भी बाज़ार में गया है और सिर्फ ये सब्जी मीट खरीद के भेजा है, तो वही आज पका रही हूँ, और बहुत पसीना भी है, देखो देखो कितना निकल। तो मैं खाना पकाते पकाते साइड मैं भी पकने हमारे घर का तो टमी बहुत होशियार है, और इसको मारने से भी भाग नहीं जाता है, वो भी धूप की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया है, दो दो है, लेकिन ये इसको मैं ज़्यादा पसंद नहीं है, ये ज़्यादा पसंद और मारने से भी जाता नहीं है, इंसान के लोगों के जैसा ही पास में बैठ के सोता है। इसका नाम है रॉक्सी और इसका नाम है टॉमी। इसका नाम एक बार पुकारने से इतना दौड़ के आता है, ये इसका मूंछ हिला हिला के इतना भाग के आता है। टॉमी देखो इसका रहने के लिए उधर मत देखो, यही है हमारी छोटा सा विलेज। ये कल पूजा किया था लेकिन ये नहीं फेंकेंगे, और एक हफ्ते के बाद इसको पानी में क्या करो, पानी में क्या पानी में डाल देंगे, तो गर्मी की वजह से घर में सोया हुआ है अंदर का तमी वो भी थक गए, हिल नहीं रहा है, देखता हूँ। तो हमारे सब्जी पक चुका है, तो मैं अभी यहाँ पर चावल को पिला डाली, थोड़ा सा बारिश करेंगे, यहाँ पर चावल का आटा डालूंगी, बाकी पर डालूंगा, ज़्यादा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, ये तो अच्छा स्वाद नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा पतला होना चाहिए, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा खुशबू आ रहा है, और मैं भी बहुत दिन हो चुकी हूँ, मैंने भी ये सब्जी बहुत दिन हो चुके नहीं खाए हैं, लेग पीस का चखुई, त्रिपुरा का सिंपल सा विलेज का रेसिपी, बहुत ही यम्मी, वाओ। आप भी जरूर ट्राई कीजिए ऐसा वाला सब्जी, और पता नहीं रेसिपी खार बोलता है, लेकिन हम लोग
तो चाकू बोलता है तो विलेज का सिंपल सा रेसिपी हुआ, देखने में भी बहुत यम्मी लग रहा है। पास में के लिए